और तो 1998 से वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी रहते जी, कि जनता दल यू का कार्यकर्ता थे। ऐसा तो दो दर्जन उनका रेल मंत्री का दो दर्जन कर्मचारी था। 1998 से तू कर्मचारी थे, इसको कुछ सुना रहे हैं? तीन दर्जन कर्मचारी होते हैं रेल मंत्री के, उसमें एक वो भी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। श्री आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों की राजनीति। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। बिहार की सियासत में इन दिनों उठाक पटक देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जदयू ने तमाम जो विधायक और सांसद हैं उनको पटना में रहने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही साथ आरजेडी ने भी अपने विधायकों को पटना बुला लिया है। जो बयानों का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। ललन सिंह का बयान आरसीपी सिंह को लेकर सामने आ गया है। जब आरसीपी सिंह को लेकर ललन सिंह से सवाल किया गया तो वो काफी गुस्से में नजर आए, तो उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह जब केंद्र में मंत्री बने थे उस समय नीतीश कुमार से उन्होंने कुछ नहीं पूछा था। पहले सुनिए ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। अरे भाई, आरसीपी सिंह साहब मुख्यमंत्री के साथ हमने भी देखा, उन्होंने कहा कि 1998 जी लोगों नीचे, और तो 1998 से वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी रहते जी, कि जनता दल यू का कार्यकर्ता थे। ऐसा तो दो दर्जन उनका रेल मंत्री का दो दर्जन कर्मचारी था, उसी में एक वो भी थे, तो इसके चलते वो जनता दल यू के नेता हो गए। अरे जनता दल के नेता वो हुए 2010 में, जब उनकी इच्छा थी और मुख्यमंत्री को उन्होंने इच्छा प्रकट की 2009 में, लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नीतीश कुमार जी ने अस्वीकार कर दिया। 2010 में उनकी इच्छा थी मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा भेज। 1998 से तू कर्मचारी थे, इसको कुछ सुना रहे हैं? तीन दर्जन कर्मचारी होते हैं रेल मंत्री के, उसमें एक वो भी थी। लेकिन ये भी साफ हो गया खुद से अपने मन से वो मंत्री बन रहे हैं। ये बात भी अखबार में देखा, उन्होंने ये कहा कही है हमसे प्रमाणित हो, इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बन, उन्होंने खुद से कहा है। अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई, अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। इसका मतलब जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि वो हमने जो बात कही थी सच साबित हुई, और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुद कहा, उन्होंने सूचना दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हो ही गया तो जाके बन गया। बहुत जरूरी एविडेंस उनके पास है, आपके पास जो समय आने पे खुलासा करेंगे। ये तो अभी बताएंगे ना, अभी ये सब बताते हैं। सर कल विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है, विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। श्री आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों की राजनीति। ठीक है। तो आपने सुना ललन सिंह को, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आरसीपी सिंह अपने मन से केंद्र में मंत्री बने। सवाल पर उन्होंने ये भी कहा कि अखबार तो आपने देखा होगा, लेकिन जो बात मैंने कही है ये प्रमाणित हो गया है। मैंने कहा था कि वे अपनी मर्जी से केंद्र में मंत्री बने थे। उन्होंने खुद से कहा था कि अमित शाह से उनकी बात हुई है, अमित शाह ने उनको कहा है कि आप अपने ही नाम पर सहमत है। गुस्से में ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी पार्टी तय करेगा कि जदयू से मंत्री कौन होगा। अगर जदयू का मंत्री बीजेपी तय करेगा तो ये मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आरसीपी सिंह पर के सवाल पर ललन सिंह काफी गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि जब वो मंत्री बने थे तब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सहमति नहीं ली थी। आरसीपी सिंह जब से जदयू से इस्तीफा दिए हैं तब से बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जदयू और बीजेपी का जो गठबंधन है बिहार में टूटने वाला है और जदयू आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाएगी। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में आगे क्या कुछ होगा। जो भी अपडेट निकलकर हमारे पास आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।
बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।